हर हर महादेव फ्रेंड्स, आप सभी को श्रावण मास के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं मनीषा सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज लेकर आई हूं आप सभी के लिए एक और जॉब के अपडेट, जो कि 100% परमानेंट जॉब होगा। और वो किस चीज़ के लिए आई है, किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है, वो मैं अभी आपको बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये वैकेंसी निकल के आई है LIC HFL में जूनियर असिस्टेंट की भर्ती 2024 के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि LIC HFL होता क्या है। देखिए, LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसका एक ब्रांच होता है हाउसिंग फिनेंस लिमिटेड HFL। इसके अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। देखिए फ्रेंड्स, ये होती है ग्रुप सी की पोस्ट और सरकारी जॉब है, केंद्र सरकार की जॉब ये होती है। इसके लिए ऑल इंडिया के मेल तथा फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। पोस्ट की नेम तो बार-बार दोहरा रही हूं कि जूनियर असिस्टेंट होगी। देखिए, इसके लिए टोटल पद आपका 200 यानी कि 200 रहेगा। और इन पोस्ट को ना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है स्टेट वाइज, तो स्टेट वाइज वैकेंसी आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, किस स्टेट के लिए क्या सीट है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है ना कि इसमें कोई कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को इक्वली ट्रीट किया गया है। ठीक है, तो अब जाके देखोगे जो सीट रहेगा स्टेट वाइज, उसमें सभी कैटेगरी के बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि जनरल का सीट इतना है, उसका सब उसमें काउंट हो जाएगा। और हाँ, आगे जानेंगे इस पोस्ट के बारे में सारी ही सारी जानकारी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते, एग्जाम सिलेबस देखना चाहते, सारी की सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाइए वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने की जो डेट है ना, 25 जुलाई, मतलब 25 जुलाई से ये ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है 14 अगस्त, लेकिन आपको 14 अगस्त का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, इलिजिबल हो, तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए, इसके लिए एग्जाम का डेट भी अनाउंस कर दिया गया है। देखिए, लास्ट डेट है आपका क्या, 14 अगस्त, और पेपर कब लिया जा रहा है, सितंबर में, मतलब कि बस एक महीने का टाइम है। और आपको एक महीने से ये टेंशन नहीं लेना है, जैसा कि आप पहले से ही जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो सब कुछ पैटर्न सेम ही रहेगा। क्या सब पूछा जाएगा वो तो मैं आगे आपको बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फॉर्म अप्लाई करते वक्त फी क्या लगेगा। फी लगता है आपको 800 रुपीज़, सभी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 800 रुपया प्लस जो GST होता है वो लिया जाता है। आगे देख लेते हैं व्हाट विल बी द एज लिमिट। सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि किस डेट के अकॉर्डिंग एज की कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ पर जो एज काउंट डेट है ना, 1 जुलाई 2024 यानी कि 1 जुलाई 2024 के अनुसार आपका एज की गणना की जाएगी। 21 वर्ष से 28 वर्ष यानी कि 21 to 28 ईयर्स रहेगा। साथ ही साथ रिलैक्सेशन मिलेगा, एज यू नो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स होता है कि अपर एज लिमिट में छूट दी जाती है। तो OBC को मिलता है 3 ईयर्स का और SC ST को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन। तो ये थी बेसिक डिटेल। अब आते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से तो आप इलिजिबल रहेंगे। मिनिमम आपका 60% स्कोर होना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही एक और पॉइंट है कि जिन्होंने भी कोर्स कंप्लीट किया है कॉरेस्पॉन्डेंस से, डिस्टेंस से या फिर पार्ट टाइम, अगर आप प्रॉपर कॉलेज नहीं गए हो, डिस्टेंस लर्निंग से आपने पढ़ाई किया, तब आप यहाँ पर इलिजिबल नहीं रहोगे। वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने रेगुलर कोर्स किया है और उनका 60% है ग्रेजुएशन में। और स्ट्रीम की अगर बात करें तो आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स, सभी स्ट्रीम के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे समझा जाए कि इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसेस इज वेरी सिंपल। यू हैव टू क्लियर ओनली 2 स्टेजेस। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर द ऑनलाइन CBT, विच मीन्स कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी ऑनलाइन एग्जाम दो, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है, आपके बारे में पर्सनल मतलब नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है, उसको पास कर जाओ, फिर क्या, फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाएगा। तो ज्वाइनिंग लेटर तक हम लोग जाएंगे कि क्या सैलरी मिलेगा, पोस्टिंग कहाँ होगी, लेकिन उससे पहले जानते हैं ऑनलाइन CBT का एग्जाम पैटर्न इन डिटेल। देखिए,
200 क्वेश्चंस का ये एग्जाम होता है फॉर 200 मार्क्स, मतलब कि पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलता है। टाइम होता है 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे का। और अगर निगेटिव मार्किंग की बात करूं तो वो भी यहाँ पर है 1/4, मतलब 0.25 की हो जाएगी निगेटिव मार्किंग। अब विषय वाइज देखें तो 5 टोटल सब्जेक्ट रहेंगे। लॉजिकल रीजनिंग से आपका 40 क्वेश्चंस रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 40 क्वेश्चंस रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस एंड लास्टली कंप्यूटर स्किल के हो जाएंगे 40 क्वेश्चंस। तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न। सिंपली आप समझ लीजिए, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके, जीएस और कंप्यूटर से पूछा जाएगा। अब 200 प्रश्न है और 5 सब्जेक्ट, तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर के लिए हर सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू में जाना होगा। इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे तो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, फिर आप ज्वाइन कर लेंगे। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया है कि वैकेंसी स्टेट वाइज है, तो जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करोगे उसी के लिए आपको वहां पर जॉब करने का, सर्विस करने का मौका दिया जाएगा। यहां पर कोई कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब कि सीट ओनली फॉर जो स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वही रहेगा। जिस मान लीजिए कि बिहार है तो बिहार के लिए जितना सीट है उसमें वहां के जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी बच्चे इलिजिबल रहेंगे। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये था एक कॉमन सा जानकारी जो कि मैंने आपको दे दिया। अब आते हैं द मेन पॉइंट कि आपको सैलरी क्या मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, सैलरी जो होती है ना 32,000 से लेके 35,800 तक मिलता है शुरुआत में। अब आप सोचेंगे कि ये किस अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, 32,000 अब भी बोल रही हूँ, 35,000 भी बोल रही हूँ। इसलिए बता रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि ये जो होता है ना शहर के ऊपर, सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर किसी शहर में रहेंगे तो वहाँ पे खर्च वगैरह ज़्यादा आता है, तो अलग अलग सिटी के लिए आपका सैलरी अलग अलग डिवाइड होता है। तो वही है कि शुरुआत में आपको 32 से 35,000 मिलेगा और बाद में इस सैलरी को बढ़ा दिया जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, जब स्टार्टिंग में 32 से 35 मिल रहा है तो बाद में तो 80-90 मिलेगा ही। आई होप कि अब इस पोस्ट के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब भी कुछ कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेरी को कर लेना है सॉल्व। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है ताकि सारे न्यू जॉब के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।